हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक। और इस लेसन में हमारा टॉपिक चल रहा है उपसहज संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। और इसी क्रम में हम कुछ नियम पढ़ चुके हैं और लास्ट वाला जो नियम है वो मैं रिपीट कर रहा हूं। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि अगर आपको कोई संकुल यौगिक में और सेतु लिगंड दिया हुआ हो, संकुल यौगिक में आपको कोई सेतु लिगंड दिया हुआ हो तो नामकरण आप किस प्रकार करोगे। तो देखिए, फिर जैसे कॉपर दोनों तरफ है और कॉपर के दोनों तरफ मैं कार्बोनिल ले रहा हूं, चार अणु इस साइड में और चार अणु कार्बोनिल के इस साइड में, और समन्वय मंडल का निशान लगा देता हूं, वो हमें यह बताएगा कि यह संकुल यौगिक है। और यूं करता हूं, ऑक्सीकरण अंक को संतुलित करने हेतु प्लस ऊपर दो लगा देता हूं, तो यह धनावेशित कोई संकुल यौगिक है। और याद रखना, इस प्रकार से एक O है और एक O2 है, तो ये सेतु लिगंड के रूप में जुड़ा हुआ है। और हमें इसका नामकरण करने के लिए बोले तो पहले थोड़ा ये बता देता हूं, ओ को तो हम बोलेंगे ऑक्सो, ओ को तो क्या बोलेंगे ऑक्सो, ओ टू को बोलेंगे पर ऑक्सो, ओ टू को बोलेंगे पर ऑक्सो। इसमें पी आता है, इसमें ओ आता है, जब अल्फाबेटिक एडजस्ट करें तो उसके हिसाब से। तो अब नामकरण करें तो याद रखना, इस साइड ये निशान, निशान की शुरुआत से नामकरण होता है, तो CO पहले थोड़ा ये भी याद रखने वाली बात है कि जब C के बराबर आकार का O लिखा हो तो वो होता है कार्बोनिल, और जब C के पैरों में छोटा O लिखा हो तो वो होता है कोबाल्ट। ये कोबाल्ट धातु का प्रतीक है, ये कार्बोनिल का प्रतीक है, तो ये थोड़ा आप याद रखना। अब हम देखते हैं कि C के बराबर आकार का O तो ये कार्बोनिल है, तो बोलूंगा टेट्रा कार्बोनिल। यहां नाम लिखेंगे तो हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। और उसके बाद में यहां पास में धातु दी है तो धातु को बोलेंगे कॉपर, तो यहां कॉपर धातु आ जाएगी। और इसका ऑक्सीकरण अंक ब्रैकेट में यहां एक साथ निकालेंगे, यहां भी कॉपर यहां भी कॉपर, ये तो बता चुका हूं कि सेतु लिगंड वाले में आपको दोनों धातुएं एक जैसी मिलती हैं, तो यहां कॉपर का ऑक्सीकरण निकाल के बाद में लिखेंगे, पहले लिगंडों जो सेतु लिगंड है उनके नाम लिखते हैं। तो सेतु लिगंड में बता चुका हूं, ओ को बोलूंगा ऑक्सो, ओ टू को बोलूंगा प्रोक्सो, तो प्रोक्सो तो और ऑक्सो, तो पहले अल्फाबेटिक के हिसाब से ऑक्सो वाला पहले आएगा, तो लिखूंगा म्यू डैश म्यू और ऑक्सो, म्यू डैश म्यू ऑक्सो। बता चुका हूं सेतु लिगंड के आगे म्यू आता है और म्यू हमें यह बताता है कि यहां जो हम लिख रहे हैं वो सेतु लिगंड लिख रहे हैं। और फिर दूसरा सेतु लिगंड तो डैश म्यू डैश और आ जाएगा पर ऑक्सो, पर वहां लिख दिया, ऑक्सो शब्द यहां लिख देता हूं, पर ऑक्सो एक साथ इकट्ठा पर ऑक्सो, ये वाला पर ऑक्सो यहां जाएगा। और फिर धातु के इधर चलते हैं तो पहले धातु आती है, लेकिन हमें तो लिगंड लिखने हैं तो लिगंड पहले लिखे जाते हैं, जैसे लिगंड यहां पहले लिखे तो लिगंड वहां भी धातु से पहले लिखेंगे, तो फिर दोबारा आपके टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और कॉपर धातु है तो कॉपर धातु यहां इस प्रकार से आगे आ जाएगी। और उसके बाद में ऑक्सीकरण अंक ब्रैकेट में आ जाएगा, ऑक्सीकरण अंक निकाल करके लिख देंगे। पहले थोड़ा बता देता हूं कि इस ओ पर भी माइनस दो होगा और ओ टू पर भी माइनस दो होगा, ओ पर भी माइनस दो होगा, ओ टू पर भी माइनस दो होगा, और एक्स मान करके निकाल लेंगे, सी ओ शून्य होता है तो इधर भी चार से शून्य हो गए, इधर भी चार शून्य हो गए, और ये एक्स और एक्स यानी दो एक्स इकट्ठा मान लेंगे, दो एक्स इकट्ठा मान लेंगे, और ये माइनस दो इसका और माइनस दो इसका लगा लेंगे,
और बराबर के बाद में प्लस दो लगा लेंगे, क्योंकि सारे संकुल पर प्लस दो आवेश है, तो बराबर के बाद प्लस दो आ जाएगा। जितना ऑक्सीकरण अंक आएगा इसके हिसाब से ऑक्सीकरण अंक जो आता है वो तीन तीन आता है, ठीक है ना। इनका निकाल तीन आता है, एक्स बराबर तो निकालेंगे। और लास्ट में यहां एक ऑक्सीकरण लिखने के बाद में और ऊपर आवेश लिखा है, तो आवेश लिखा है तो आवेश चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो आयन तो शब्द जरूर आता है, तो वहां हमने आयन लगा दिया। तो इस प्रकार से जो सेतु लिगंड वाले हैं उनका नामकरण करते समय धातु के साथ सामान्य लिगंड लिखे तो पहले वो सामान्य लिगंड संख्या सहित लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद में धातु का नाम लिखा जाता है, फिर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था आती है, फिर हम सेतु लिगंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेतु लिगंड को अल्फाबेटिक एडजस्ट करके और उनके नाम में जो भी पहले आता है वो म्यू के साथ म्यू और लिगंड, फिर दोबारा म्यू और फिर अगला लिगंड इस प्रकार से आ जाता है। फिर दोबारा से सामान्य लिगंड उनकी संख्या है वो लिखी जाती है और फिर धातु का नाम और धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में आ जाती है। अगर ऊपर आवेश दिया होता है तो आयन शब्द आता है, आवेश ना हो उदासीन हो तो फिर आयन शब्द नहीं आता है। इस प्रकार से ये सेतु लिगंड वाला हमने लास्ट में पढ़ा था। और अब हमारे इन नियमों में लास्ट दो विशिष्ट नियम है वो मैं बताता हूं। विशिष्ट नियम में ध्यान देना, एक नियम तो ये है कि अगर किसी संकुल यौगिक में आपको अगर आयन के रूप में H दिया हो, मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले H परमाणु की बात कर रहा हूं, हाँ H परमाणु की संख्या कितनी हो सकती है, जैसे यहां चार संख्या है H परमाणुओं की, और H परमाणु पहले दिया हो तो याद रखने वाली बात है कि वो एक अम्ल होता है, वो सारा संकुल यौगिक एक अम्ल होता है, और अम्ल होता है तो इसमें फिर दो भाग प्लस और माइनस वाले नहीं बनाए जाते हैं, जैसे हम और यौगिकों में बनाते हैं कि संकुल से पहले अगर आयन वो धनावेशित भाग और दूसरा बचा हुआ ऋणावेशित भाग। लेकिन मैं कह रहा हूं अपने इस नियम में, विशिष्ट नियम में, कि अगर आपको किसी संकुल में और अगर आयन के रूप में एच दिया हुआ है, एच परमाणु दिया हुआ है, तो आप याद रखना वो सारा संकुल एक अम्ल के रूप में है, और अम्ल के रूप में है तो इसमें धनावेशित ऋणावेशित भाग नहीं बनाए जाते हैं। तो फिर नामकरण कैसे किया जाता है, अगर एच आयन दिया हो, पहले अगर आयन के रूप में एच दिया हो तो ना तो एच आयन को लिखा जाता है, यानी एच आयन को नहीं लिखा जाता है, पैरों में संख्या सहित उनको नहीं लिखा जाता है। तो मैं यहां इन एच आयनों का यहां जिक्र ही नहीं करूंगा, कहीं मेंशन नहीं करूंगा अपने इसमें, और इस एच आयन के प्रतीक के रूप में लास्ट में अमल लगा देंगे, और जब एच आयन दिया हो तो लास्ट में एक अमल लगता है, यानी प्रत्येक के रूप में एक अमल जुड़ जाता है सारे संकुल के नाम में। तो इसको छोड़ करके और इसका नाम कर लेंगे हेक्सा साइनो, छह को बोलूंगा हेक्सा, सीएन को बोलूंगा साइनो, तो यहां आ जाएगा हेक्सा साइनो। उसके बाद में याद रखने वाली बात, आप तो ये सोच रहे हो कि यहां ये ऋणावेशित भाग में है तो प्लेटिनम के पीछे एट प्लेटिनेट, नहीं, जब एच आयन यहां लिखे हो, चाहे अकेला एच हो, चाहे दो एच हो, चाहे तीन चार पांच जितने भी एच हो, तो वो सारा संकुल एक अम्ल होता है। तो याद रखना उस धातु और के नाम में पीछे एक अम्ल जुड़ जाता है, तो यहां आएगा प्लेटिनिक अम्ल। क्या बोलूंगा, प्लेटिनिक अम्ल शब्द आपको जरूर लगाना है, वरना हमारा ये गलत हो जाएगा। और अब ऑक्सीकरण अंक है वो आएगा, और ऑक्सीकरण अंक आएगा तो अब ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ऑक्सीकरण अंक निकालते समय इस धातु का इस एच को काउंट करूंगा, जैसे इसका निकालेंगे एक्स मान करके, तो एक्स इसका मानेंगे, प्लस का निशान लगा लेंगे, और चलो पहले ही वो लिख देता हूं छह की छह लगा लेता हूं, सीएन का माइनस एक होता है वो लगा लेता हूं, और इस सारे पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर जीरो कर देता हूं, तो यहां चार और बच गए एच का, तो एच का चार प्लस वाला और जोड़ देता हूं। इस प्रकार ऑक्सीकरण अंक निर्धारित करते समय जो एच हैं, जितने एच दिए अम्ल वाले, वो काम में लिए जाते हैं, लेकिन नामकरण करते समय और एच परमाणुओं को नहीं लिखा जाता है। ये विशिष्ट नियम है कि जब किसी संकुल यौगिक में और
समन्वय मंडल से पहले अगर आयन के रूप में और एच परमाणु दिए हुए हों तो संपूर्ण यौगिक एक अम्ल के रूप में होता है, और अम्ल के रूप में होता है तो नामकरण करते समय उन एच परमाणुओं को नहीं लिखा जाता है, एच परमाणुओं को नहीं लिखा जाता है, केवल और केवल समन्वय मंडल में जो लिगंड और धातु हैं उनका ही उल्लेख किया जाता है, और इन एच के अनुसार, इन एच परमाणुओं के अनुसार और धातु के नाम के अंत में एक अम्ल जोड़ दिया जाता है, तभी तो बना है प्लेटिनिक अम्ल, यानी प्लेटिनम प्लस एक अम्ल तो बन गया प्लेटिनिक अम्ल, और फिर यहां ऑक्सीकरण अंक आ जाता है। ये विशिष्ट नियम आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे स्पोज कीजिए कि मैं आपको यूं पूछ लूं इस प्रकार से, जैसे H3 और यहां कॉपर के साथ मैं आपको दे देता हूं NH और 3 को, चलो मान लीजिए मैं 6 कर देता हूं, और आपसे मैं पूछूं तो याद रखने वाली बात है कि यहां समन्वय मंडल का निशान लगाता हूं कि यहां संकुल से यानी समन्वय मंडल से पहले H दिया है, तो ये विशिष्ट नियम में एक अम्लीय यौगिक है, और अम्लीय यौगिक है तो इसमें धनावेशित और ऋणावेशित भाग मत बनाइए, और एच आयनों का उल्लेख भी नहीं करना है। हम तो यहां से शुरुआत करेंगे, हेक्सा एमीन और कोपरनिक अम्ल, हेक्सा एमीन कोपर प्लस एक अम्ल तो कोपरनिक अम्ल बन जाएगा, और ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक विशिष्ट नियम हुआ, एक विशिष्ट नियम और सुन लीजिए, एक विशिष्ट नियम और आपको याद रखना है, और वो विशिष्ट नियम मैं पहले एक संकुल यौगिक लिखकर और उसके थ्रू आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने ये संकुल यौगिक लिखा है जिसमें मैग्नीज धातु के 3 आपके परमाणु काम में लिए हैं, और CO कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल को मैंने 12 लिखा है यहां पर। तो आपको याद रखना है कि जब कहीं इन यौगिकों में 11 आए तो आपको ओडेका बोलना है, 11 आए तो ओडेका बोलना है। जैसे यहां 12 आ रहा है तो 12 को आपको डोडेका बोलना है, डोडेका या डोडिका दोनों ही बोलते हैं। पहले बता देता हूं, इसे ओडेका या ओडिका भी कहा जाता है, इसे डोडेका या डोडिका दोनों ही कहा जाता है। तो आप 11 और 12 का और याद रखना, यह भी एक विशिष्ट नियम में आता है। तो पहले याद रखना कार्बोनिल 12 है तो बोलूंगा डोडेका, डोडेका 12 को डोडेका बोलूंगा, डोडेका कार्बोनिल, डोडेका कार्बोनिल। उसके बाद में मैग्नीज धातु अकेला नहीं है, बल्कि मैग्नीज के पैरों में 3 लिखा है, इसका मतलब मैग्नीज 3 बार है, तो बोलूंगा ट्राई मैग्नीज, तो क्या बोलूंगा ट्राई मैग्नीज, आपको याद रखना है। और अब इस मैग्नीज धातु की ऑक्सीकरण अवस्था वो आ जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो CO तो 0 होता है, तो ये 12 0 0 हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। और इसका 3x करके और बराबर 0 लगा लेंगे, ठीक है ना, 3x करके बराबर 0 लगा लेंगे, जितना यहां आएगा उतना हम यहां ऑक्सीकरण अंक के रूप में लिख देंगे। तो आपको ये भी याद रखना है इस प्रकार से। और उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण का पूरा टॉपिक है वो हमारा समाप्त होता है।